सामने कुछ और डेट्स रखता हूँ, कुछ और फैक्ट्स रखता हूँ, और उसके पीछे की जो कहानी है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल जो आपसे है वो देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 25 जून 1983 वो दिन जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन क्या था? तारीख हम आपको बता रहे हैं 1983 25 जून सैटरडे, उस दिन था शनिवार। जरा गूगल बाबा की मदद से एक बार चेक किया जाए कि जिस दिन हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, क्या उस दिन शनिवार था? अरे वाह, शनिवार था। कुछ और इस तरीके के, देखिए हमने पूरी रिसर्च के साथ आपकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की है, हम कुछ और डेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये तो साबित हो गया कि 25 जून 1983 को शनिवार था जिस दिन भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। चलिए भानु, कुछ और डेट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए आपने बता दिया 26 जनवरी, 15 अगस्त भारत जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, आपने तमाम तारीखों पर दिन क्या था ये आपने बता दिया, लेकिन अब हम एक और आंकड़ा, एक और तारीख आपके सामने रखते हैं और उस तारीख का आप जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि उस तारीख को दिन क्या था। तारीख आपके सामने 17 सितंबर 1950, दिन बेहद खास, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री का जन्म किस दिन हुआ था? ये होगा संडे, रविवार। 17 सितंबर 1950 का जो दिन था वो संडे था। गूगल से एक बार चेक करते हैं। देखिए गूगल ने भी भानु मोहर लगा दी। ये कैसे भानु आप संभव कर लेते हैं, मुमकिन कर लेते हैं? ये तो बहुत आसान नहीं होगा। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं लेकिन ये कैलेंडर से आप तारीख बता देते हैं। तो कैलकुलेशन में भी जो कैलेंडर होती है ना, एक साल में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं, तो जब आप पीछे जा रहे हो एक वीक में कितने 7 होते हैं दिन, तो 365 दिन अगर तुम पीछे जा रहे हैं, 364 से डिविजिबल है, तो एक ही चेंज होती है। तो आज अगर ये आज की दिन अगर संडे है तो यही दिन लास्ट ईयर क्या होगा इज नॉट वेरी हार्ड टू कैलकुलेट। तो पर आप जितनी देर में समझा रहे हैं भानो, उससे कम वक्त में आप उसका जवाब दे दे रहे हैं, तो वही ये आपकी जो काबिलियत है ये वाकई हर किसी को चौंका रही होगी। एक और तारीख हमने आपके लिए रखी है, एक और सवाल है आपके लिए और उस सवाल का भी जरा जवाब दे के बताइए भानु। तारीख जो है आपके सामने हम ला रहे हैं और देखिए जो तारीख है वो अब आपके सामने आ चुके। 24 अप्रैल 1973 सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन, 24 अप्रैल 1973, दिन क्या है? ट्यूसडे, यानी सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था मंगलवार के दिन। मंगलवार, सही जवाब। और सचिन तेंदुलकर तो हमारा फेवरेट क्रिकेटर है, तो अच्छा बिल्कुल है, बिल्कुल सबके हैं, महानायक हैं वो क्रिकेट की दुनिया के। तो सचिन तेंदुलकर का जो दिन है जन्म का वो आपने सही बता दिया है, ये यहाँ पर मोहर लग रही है। एक और सवाल भानु आपके लिए है और उस सवाल में हम क्या तारीख लेकर आ रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए तारीख अब आपके सामने आने वाली है, 20 नवंबर 1942 अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का जन्मदिन। जो बाइडेन किस दिन पैदा हुए थे? देखिए हो सकता है कोई माने कि आपने रट लिया होगा मोदी किस दिन पैदा हुए थे, सचिन तेंदुलकर किस दिन पैदा हुए थे, जो बाइडेन का बताइए। फ्राइडे, जो बाइडेन पैदा हुए हैं फ्राइडे के दिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पैदा हुए हैं फ्राइडे के दिन, गूगल भी यही बात कह रहा है। तो ये इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई सवाल पूछने के लिए आपसे बचा हो। मैं कुछ और रैंडमली आपसे पूछ लेता हूं जिसमें हम गूगल की मदद नहीं लेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को देखते हैं, कैलेंडर को देखते हैं और उससे आपसे पूछते हैं। आगे भी पूछ सकते हो आप, पीछे की नहीं, मैं आगे भी आपसे पूछ सकता हूं। 2100 कभी भी। चलिए तो ये बताइए आपकी इस साल 2021 में 31 दिसंबर का दिन क्या होगा? दिसंबर 31 ये होगा फ्राइडे वीकेंड। 31st, जी बिल्कुल। तो देखिए अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा सकें या आप भी चेक कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2021 को जो दिन होने जा रहा है वो दिन होने जा रहा है शुक्रवार, यानी जो लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए 31 दिसंबर इस बार बेहतर होगा क्योंकि उसके बाद वीकेंड है, सैटरडे और संडे। लेकिन इस पर मोहर लगा दी है यहाँ पर भानु ने और कैलेंडर भी यही बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए ये यहाँ पर हमने गूगल बाबा की मदद से भी देख लिया है, शुक्रवार का दिन है 31 दिसंबर 2021। और यकीन मानिए ये तय हो चुका है कि गूगल से भी तेज यहां पर भानु बता रहे हैं। रैंडमली हम जो भी तारीख भानु से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक सिर्फ हम गुणा भाग यहां पर पूछ रहे थे भानु से, लेकिन अब तो हम कैलेंडर की तारीखों को खंगालने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं और यहां पर भी भानु जीत रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं यहां पर हम हर तरीके के सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं भानु से। भानु एक और राउंड हम आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं नंबर, हम आपके सामने बहुत फटाफट तरीके से रखेंगे, आपके पास बहुत कम वक्त होगा उस नंबर को देखने के लिए, उसका गुणा भाग जो भी आपको करना है उसके लिए वक्त आपके पास बहुत कम होगा, और फिर हम आखिर में आपसे पूछेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तैयार हैं आप? बिल्कुल, शुरू करें। चलो तो देखिए जो नंबर है, जो डिजिट्स हैं वो आपके पास आ रही है, और मैं फिर बता दूं आपको वक्त बहुत कम रहने जा रहा है आपके पास। बताइए भानु उसका क्या? 520 आप बता रहे हैं? 520 और भानु ने सही जवाब दे दिया। भानु मैं पढ़ नहीं पा रहा था, उससे पहले डिजिट चले जा रहे थे,
कैसे आपने याद किया? मैं इस बार बाहर बोलूंगा जब कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको बोलने वाला हूँ। आप बोलेंगे इस बार? चलिए तो हम एक और डिजिट इसी तरीके से आपके लिए लेकर आते हैं और उस डिजिट का आप बताइएगा कि टोटल कितना बैठता है। मैं नंबर आ रहा है आपके पास 10, 33, 80, 134, 201, 299, 384, 396, 473, 542। 542, कमाल वो हो रहा है अंदर। ये आप इतनी जल्दी पढ़ भी रहे हैं इसको और कैलकुलेट भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं और फिर आप ग्रांड टोटल भी यहाँ पर बता दे रहे हैं। और एक है तो मैं आपको और इससे ज्यादा कुछ और दिखाने वाला हूँ। उसमें क्या कर सकते हैं? मैं आपसे बात करता रहूंगा और कैलकुलेट करता रहूंगा। अच्छा, आप मुझसे बात करते रहेंगे? मैं बस बता रहा हूँ। हम ऐसी नॉर्मल बात करते रहेंगे, हैदराबाद में कैसा मौसम है, कैसा ट्रैफिक चलता है, और आप मुझे जोड़ के बता देंगे। ठीक है, तो जरा इसको भी करके देखते हैं। एक और नंबर हम भानु के सामने लाते हैं और भानु आप बताइएगा, पहले आप ये बताइए हैदराबाद में खाना कहाँ सबसे बेहतर मिलता है? पैराडाइज, पैराडाइज की बिरयानी। ट्रैफिक कहाँ सबसे ज्यादा होता है? हर जगह होती है यार, वो तो 531। चलिए, तो मैंने नंबर देखे नहीं थे, भानु ने ही सिर्फ नंबर देखे हैं और 531 इसका टोटल है ये भानु ने बताया है और ये सही जवाब है, ये हमारा कैलकुलेटर भी बता रहा है। भानु, ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो ये कहा जाता है कि आप कंसंट्रेट कीजिए, आप तो कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यही चीज ना हम बहुत बार सोचते हैं, सुनते हैं, बड़ों से बोलते हैं कि एक चीज पे कंसंट्रेट करो तभी होती है। हाँ, मानव ह्यूमन नेचर ये होती है कि हम एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना। तो ये जो आपको दिखाया ना, ये एक्चुअल इंप्लीकेशन है कि अच्छा गणित करो तो ये कहीं और रहे। तो देखिए भानु जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं वो वाकई हर किसी को चौंकाता है। भानु, आपने कहा कि देखिए आप मुझसे कुछ भी बात करते रहिए, नंबर दिखाते रहिए, मैं जवाब दूंगा। मैं आपके सामने एक बार फिर नंबर रख रहा हूं, मैं आपसे कुछ और बात करूंगा, आप जवाब दीजिएगा, उसका नंबर आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पसंदीदा हीरो आपके कौन है? शाहरुख खान। पसंदीदा हीरोइन? प्रियंका चोपड़ा। पसंदीदा फिल्म? बहुत सारे हैं, चक दे। 509। यस, हो सकता है इसका 509 ना हो, हम बता रहे हैं कि ये 500 है। ये 500 तो हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं ये 509 है, 509 है। ठीक है, मैं बताता हूँ, चौदहवीं या पांचवी नंबर 09 था, शायद वो मिस हुआ है, बट ये तो 509 है ही। अगर 500 नहीं है, अगर आप रिप्ले करोगे तो मैं बताऊंगा ये 509 कैसे है। ये 509 कैसे है ये भी आप बता देंगे? हाँ, हम रिप्ले करते हैं। चलो, तो ये हुआ 17, 106, 142, 217, 281, 302, ये मिस किया आपने, 397, 494, 509, वो 09 देखा आपने जी, वो मिस किया आपने, 509 है ये। भानु देखिए, हमने जानबूझकर ये जो रिजल्ट है इसका वो कुछ अलग रखा ताकि हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकें। आप बिल्कुल सही हैं, हम जो यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहे हैं वो गलत है। ये 500 नहीं है, ये 509 ही है जो आपने बताया है। आपने बताया कि पसंदीदा फिल्में बहुत सारी हैं, चक दे का आपने नाम लिया, उसके अलावा तेलुगु फिल्में बहुत है, इंग्लिश फिल्में तो क्रिस्टोफर नोलन का जो भी डायरेक्शन है, पर हमारी बॉलीवुड में मेरा पसंदीदा फिल्म चक दे एक है, ये जवानी है दीवानी एक है, और बहुत सारे हैं आजकल भी जो बहुत मूवीज देखता हूं। लेकिन आपको तो लोग कहते होंगे कि देखिए बहुत पढ़ाकू है लड़का, 24 घंटे मैथ में घुसा रहता है, कैलकुलेशन में घुसा रहता है, फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए और तमाम चीज़ों से जुड़ने के लिए वक्त मिल पाता है? मैं कैलकुलेशन का जो भी प्रैक्टिस किया हूँ बहुत पहले किया हूँ, बट एट द सेम टाइम ये जो पढ़ाकू की ये जो रेगुलर स्टीरियोटाइप होती है ना, मैं उससे बहुत दूर हूँ। जो आप जहीं भी देखियो, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, शोज देता रहता हूँ, मेरा एक एंटरप्राइज है एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज़ नाम का, जहाँ मैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जो मैथ सिखाते हैं। तो हमारा ना, मेरा एटलीस्ट लाइफ का ये नहीं है कि गणित गणित करो गणित करो बैठ जाओ, नहीं ना, बहुत सारे करने का। आई डू स्टेज शो, सो आई पर्सनली थिंक दैट जो जनरली पीपल जो स्टीरियोटाइप बनाते हैं ना, पढ़ाकू लोग ना मात करते हुए बैठे, उस सोच में आप नहीं फंसे हो? बिल्कुल, आप पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं अपनी इस काबिलियत के साथ। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है जो हर किसी के मुमकिन है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नैना यादव का और उनके साथ हमारे ऑफिस के कुछ कलीग्स हैं, उनके जहन में क्या सवाल है ये भी जान लेते हैं। भानु, बिल्कुल अनुराग, जब हम भानु के सवाल या फिर जब हम उनसे सवाल कर रहे हैं तो जब उनके जवाब आ रहे हैं तब हर कोई हैरान है कि भाई ये ट्रिक्स आखिर क्या है, ये कैलकुलेशन क्या है। हमने जो कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो जान लिया, लेकिन कैलेंडर, मिस्टर कैलेंडर भी कैसे हैं। श्वेता, आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि 1 दिसंबर 1960 को मेरे पापा का बर्थडे होता है, मतलब बर्थ हुआ था, तो मैं जानना चाहती हूँ उस दिन कौन सा डे था। ये होगा एक थर्सडे। 1 दिसंबर 1960, जो हमारी साथी हैं श्वेता, उनके पिताजी का जिस दिन जन्मदिन है उस दिन आप कह रहे हैं क्या दिन होगा? थर्सडे। थर्सडे, ये थोड़ा हम एक बार आगे चेक भी करेंगे। जी, ने अगला सवाल। थर्सडे,
था। बिल्कुल, यानी कि जो जवाब दिया है भानु ने वो बिल्कुल सही है, लेकिन अनुराग मैं आप वापस कोई सवाल पूछे, मेरे और भी जो साथी उनके भी मन में कई तरह के सवाल हैं, चाहे कैलकुलेशन से या उसको लेकर आपका क्या सवाल है? मेरा डेट के डेट से रिलेटेड सवाल है। मेरा खुद का जन्म है 21 मई 1990, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उस दिन कौन सा दिन है। 21 मई 1990, ये होगा मंडे। मंडे, क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वो वक्त है जब हिंदुस्तान में नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, लागू होने वाली है, सिलेबस तैयार किया जा रहा है, सरकारों को अपने स्तर पर क्या कुछ करना चाहिए? तो पहली चीज़ ये है कि मैथ को हम सब्जेक्ट की तरह टीच कर रहे हैं बहुत साल से, और ये इंडिया में नहीं ग्लोबली हर जगह हो रहा है। तो मैथ को एक्सपीरियंस की तरह, क्योंकि मेरा ना जब बच्चा था, अब फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हूँ, मैथ से प्यार कब हुआ? जब वो एक्सपीरियंस कराऊँ। तो एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज हमारे संस्था के जरिया, विजन मैथ फाउंडेशन के जरिया, हम एनईपी पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत बहुत गवर्नमेंट को जुड़ रहे हैं कि ना बच्चा को ना कभी डर नहीं लग पाना है, गणित का बोझ जो है, जो डर है वो खत्म हो जाए, वो खत्म होना है। एंड वो खत्म इतनी अच्छे से होना है ना कि हमारा ना एंशियंट इंडियन मैथ ग्लोरी आर्यभट्ट जब हम बता रहे हैं, रामानुजन, ये ना फिर से वापस आनी है। बिल्कुल, तो देखिए अब सिलेबस पर ही काम हो रहा है केंद्र सरकार के स्तर पर, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही कुछ सिलेबस तैयार होंगे, गणित का जो डर है, बोझ है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भानु आपका जुड़ने के लिए, और यकीन मानिए आपने आज न्यूज़ नेशन के तमाम दर्शकों को चौंकाया है, प्रेरित किया है नई पीढ़ी को, वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो भी भानु जैसा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।